दोस्तों साइंस की माने तो हमारी पृथ्वी 4.5 अरब साल पुरानी है और मानव जाति का जन्म इस धरती पर आज से 2 लाख साल पहले हुआ था। तब से लेकर आज तक हम इंसान इस धरती पर राज कर रहे हैं क्योंकि हम इस धरती के सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी हैं। क्यों है ना दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी धरती 4.5 अरब साल पुरानी है और हम इंसान इस पर सिर्फ 2 लाख सालों से ही रह रहे हैं, यानी बाकी के ये अरबों सालों में किसी ने इस धरती पर राज नहीं किया था। जरूर किया था, लेकिन हम लोग से पहले जो भी जीव जंतु इस धरती पर राज किया करते थे वो हम इंसानों से कम बुद्धिमान थे, जैसे डायनासोर्स। दोस्तों डायनासोर्स ने भी इस धरती पर लाखों साल तक राज किया है, लेकिन एक एस्ट्रॉइड के धरती से टकराने की वजह से डायनासोर्स की प्रजाति विलुप्त हो गई। दोस्तों जरा अपने दिमाग पर जोर डालो और सोचो कि अगर डायनासोर्स लाखों सालों तक राज करके विलुप्त हो सकते हैं तो हम इंसान कभी विलुप्त या खत्म नहीं होंगे। दोस्तों यहां मेरा मकसद आप लोगों को डराना बिल्कुल भी नहीं है, बस सच्चाई बतानी है। अब जरा सोच के देखो, 4.5 अरब साल में हम इंसान सिर्फ 2 लाख सालों से ही यहाँ हैं, यानी कितनी ऐसी प्रजाति इस धरती पर आई और गई होंगी। इन सब बातों से ये साफ होता है कि हम इंसानों से पहले भी धरती हुआ करती थी और जाहिर सी बात है हम इंसानों के बाद भी धरती होगी ही, लेकिन कैसी होगी। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको 9 चीजें बताने वाला हूँ जो इंसान के विलुप्त होने के बाद होंगी। मानव जाति के खत्म होने के कुछ घंटों बाद अगर सारे इंसान एक साथ विलुप्त या किसी सुपरनेचुरल ताकत की वजह से गायब हो जाएं, तो इस दुनिया को ह्यूमंस का ना होने का इफेक्ट शो करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ह्यूमंस के गायब होने के कुछ घंटों में ही दुनिया के सारे सुपर प्लांट्स बंद हो जाएंगे, क्योंकि पावर प्लांट्स को चलाने के लिए उसमें बराबर ईंधन डालना पड़ता है जो इंसानों का ही काम होता है। तो अगर इंसान ही नहीं होंगे तो इनमें ईंधन डालेगा कौन। ईंधन की कमी की वजह से सारे सुपर प्लांट्स बंद हो जाएंगे और इसी वजह से धीरे धीरे पूरी दुनिया की बिजली भी गुल हो जाएगी, जिससे ये होगा कि दिन में तो फिर भी सब ठीक ही लगेगा लेकिन रात पूरी अंधेरी और काली हो जाएगी। लेकिन एक मिनट रुको दोस्तों, हम और आप तो भूल ही गए कि हमारे पास अनकन्वेंशनल सोर्सेज और एनर्जी भी मौजूद है, जैसे विंडमिल्स और सोलर पैनल्स। इनकी वजह से कई सारी जगहों पर फिर भी लाइट रहेगी कुछ दिनों बाद। दोस्तों अब तक तो लगभग सब कुछ ठीक ठाक ही था, लेकिन असल प्रॉब्लम शुरू होगी इंसानों के विलुप्त होने के 48 घंटों बाद, यानी 2 दिन बाद। दोस्तों बिना प्रॉपर मेंटेनेंस के विंडमिल्स और सोलर पैनल्स ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक ही ठीक से काम कर पाएंगे, उसके बाद वो भी बंद हो जाएंगे। यानी 2 दिन के बाद पूरा प्लेनेट बिना किसी पावर के होगा। 2 से 3 दिन बाद होम पेट्स भी प्रॉपर खाना पानी ना मिलने की वजह से मर जाएंगे। ज्यादातर फार्म्स और डेयरीज के जानवर भी सही देखभाल की कमी की वजह से कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। मेट्रो स्टेशन और लाइंस पर फ्लूट्स आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो पंप्स उन्हें ड्राई रखता था वो तो इंसानों द्वारा ही ऑपरेट होता था। कुछ हफ्तों के बाद इंसानों के गायब या खत्म होने के 1 हफ्ते बाद डिजाइनर पेट्स जैसे बुलडॉग और टेरियर्स की भी मौत हो जाएगी। जंगली कुत्ते और लोमड़ियां छोटे जानवरों का शिकार करके अपना कुछ दिन गुजार लेंगे। डोमेस्टिक एनिमल जैसे गाय बकरी और भैंस जंगली कुत्तों और लोमड़ियों के लिए फूड सोर्स का काम करेंगे। इंसानों के बिना चिड़ियाघर में रखे जंगली जानवर भी वहां से एस्केप करने में कामयाब हो जाएंगे और फिर से शिकार भी करना शुरू कर देंगे। 1 महीने बाद इंसानों के बिना धरती के सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का पानी इवेपोरेट हो जाएगा। ये पानी इंसानों द्वारा ही न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में डाला जाता है ताकि उन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ठंडा रखा जा सके। पानी के इवेपोरेट होने के बाद दुनिया भर के न्यूक्लियर स्टेशंस में एक्सप्लोजन होना शुरू हो जाएगा, जिससे काफी बड़े बड़े धमाके होंगे। साथ ही काफी सारे हार्मफुल रेडियोएक्टिव रेज भी दुनिया भर में फैल जाएंगी, जिसकी वजह से लाखों जानवरों की मौत कैंसर की वजह से हो जाएगी। इसके साथ साथ सीवेज ड्रेनेज सिस्टम भी बंद हो जाएगा, जिससे नदी और तालाबों में गंदगी जमनी शुरू हो जाएगी। इस गंदगी की वजह से कई सारे पानी के जानवरों की भी मौत हो जाएगी। ह्यूमंस के बिना केमिकल और ग्लास प्लांट्स भी अपने हार्मफुल इफेक्ट्स एनवायरनमेंट में दिखाना शुरू कर देंगे। जब नेचुरल गैस वातावरण में फैलेगी तो जंगलों में आग लगनी शुरू हो जाएगी, जिसे हम वाइल्ड फायर कहते हैं। 1 साल बाद दोस्तों इंसानों के बिना 1 साल बाद धरती फिर से रिबिल्ड होनी शुरू हो जाएगी। धरती खुद से ही सारी नेचुरल गैस डिजास्टर और न्यूक्लियर डिजास्टर से हुए नुकसान को खुद ही बाउंस बैक कर देगी, यानी खुद को सारे डैमेज से रिकवर कर लेगी। लेकिन जो प्लास्टिक्स हम इंसानों ने फैला रखी हैं, वो सारी जगह बिखरी हुई मिलेगी और बड़ी बिल्डिंग्स और दीवारें टूटनी शुरू हो जाएंगी। यहां तक कि एफिल टावर, बुर्ज खलीफा और ताजमहल भी धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएंगे। बड़े बड़े पुल भी टूट के गिरना शुरू हो जाएंगे और बिना
बिना देखभाल के स्पेस में छोड़ी गई सैटेलाइट्स भी नीचे धरती पर गिरनी शुरू हो जाएंगी। उस समय मानो धरती का नजारा कुछ ऐसा होगा कि मानो काफी सारे एस्ट्रॉइड्स एक साथ धरती पर गिर रहे हों। 25 साल बाद इंसानों के बिना 25 साल बाद पेड़ पौधे दुनिया में भर जाएंगे और ये पूरी दुनिया ही जंगल की तरह हो गई होगी। आज के दिन जहाँ आप रह रहे हो ना, वो पूरी जगह भी 25 साल बाद बिना इंसानों के जंगल बन चुकी होगी। हर जगह हरियाली तो होगी लेकिन उनका आनंद लेने वाला कोई नहीं होगा। सारे घर बिल्डिंग्स उस समय टूट चुके होंगे। न्यूयॉर्क और लंदन जैसे बड़े बड़े शहर भी उस समय तक पूरी तरह खत्म हो चुके होंगे। यहाँ तक कि दुबई और सऊदी जैसी जगहें तो पूरी तरह से रेत से ढक जाएंगी इंसानों के बिना। 300 साल बाद इस समय दुनिया पर जानवरों का राज चल रहा होगा और एंडेंजर्ड जानवर जैसे हाथी और शेर की पॉपुलेशन भी उस समय काफी बढ़ चुकी होगी। एफिल टावर और बड़े बड़े मॉन्यूमेंट सब तक पूरी तरह से टूट चुके होंगे और उनकी जगह भी पेड़ पौधे उग गए होंगे। पानी के जानवर जैसे मछलियां और कछुओं की तादाद काफी हद तक बढ़ चुकी होगी क्योंकि अब उन्हें जालों से पकड़कर मारने वाला कोई नहीं होगा। 10,000 साल बाद अब तक इंसानों के द्वारा बनाई गई सारी चीजें तहस नहस हो चुकी होंगी, बस कुछ पत्थर से बने मॉन्यूमेंट्स को छोड़ के। 10,000 साल बाद बिना इंसानों के इस धरती पर सिर्फ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के कुछ हिस्से, गीजा के पिरामिड्स और माउंट रशमोर जैसी ही कुछ जगह बची होंगी। 5 करोड़ साल बाद अब तक इंसानों के द्वारा बनाए गए पत्थर के मॉन्यूमेंट्स भी पूरी तरह टूट चुके होंगे और उस समय बस एक चीज ही बची होगी जो उस समय दर्शाएगी कि इंसान भी कभी इस धरती पर हुआ करते थे। क्या आपको पता है वो चीज क्या होगी? वो चीज है सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक्स। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टिक 5 करोड़ साल से भी ज्यादा सर्वाइव कर सकती है। फ्यूचर में जो भी इस धरती पर रहेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर ये प्लास्टिक आई तो आई कहाँ से और क्या ये नेचुरल है। हमारे प्लेनेट को इन प्लास्टिक को पूरी तरह खत्म करने में करीब उस समय से और 5 करोड़ साल ज्यादा का समय लगेगा। उस समय के बाद अगर कोई इस दुनिया पर आया तो उसे कभी भी पता नहीं चलेगा कि हम इंसान भी कभी यहाँ हुआ करते थे क्योंकि उस समय तक हमारी बनाई हर चीज खत्म हो चुकी होगी। यहाँ तक कि इंसानी हड्डियाँ भी उस समय तक नहीं टिकेंगी। तो दोस्तों ये थी वो 9 चीजें जो इंसान के विलुप्त होने के बाद होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और फ्यूचर में आने वाली और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे दी अमेजिंग लिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।